नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। 12 जनवरी युवा दिवस किसी जमाने में सबसे युवा विधायकों में से एक सुखेंद्र सिंह पन्ना से हमने बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की कांग्रेस का देश प्रदेश और जिले में क्या हाल है, क्या कुछ कहा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना ने, आइए आपको सुना। देश प्रदेश और जिले में इस बार कांग्रेस काफी मजबूत। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एक खास मुलाकात में ये बातें कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। आज बात 12 जनवरी की। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 12 जनवरी युवा दिवस, पूर्व विधायक युवा नेता सुखेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। मैं आज बात युवा दिवस पर एक युवा नेता से करूंगा। आपके एक युवा नेता इस समय सड़कों पर है, आप भी लगातार कई जगह गए, क्या माहौल है? देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपने कहा आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ इस महान आदमी के जन्म दिवस पर। जहाँ तक आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक उनकी पदयात्रा चल रही है, अभी हरियाणा और पंजाब पहुंची। मैं भी तेलंगाना से लेकर के हरियाणा तक जाने का अवसर मिला और मैंने देखा है जिस तरीके से आम जन, गरीब, माताएं, बहन, बुजुर्ग, 90-90 साल के, 100-100 साल तक के लोग निकल करके जिस तरीके से आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि निश्चित रूप से देश इस समय बदलाव की स्थिति में जा रहा है। मैं आज इस युवा दिवस के अवसर पर आपसे ये बताना चाहता हूँ। आपने बदलाव की बात की, 10 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, क्या संभावनाएं देखते हैं? आपने अभी देखा, चुनाव हुआ गुजरात में, चुनाव हुआ आपके हिमाचल प्रदेश में, चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में मैनेजमेंट के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। आने वाले चुनाव में 10 राज्यों में चुनाव, और जिस तरीके से पदयात्रा में हमने जनसमूह देखा है और लाखों लाख लोग सुबह 6 बजे से लेकर के और रात 8-9-10 बजे रात तक सड़कों पर है, इससे ये लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में जनादेश जाएगा। कांग्रेस के पक्ष की आपने बात की, मैनेजमेंट आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, पिछली बार कमलनाथ सरकार को मैनेजमेंट से बीजेपी ने छीन लिया था, इस बार टिकट बंटवारे में ये सारी चीजें ध्यान रखी जाएंगी? देखिए, 2018 में तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, रही बात हमारे बिंद में कुछ सीटें कम आई, जिसके कारण कहीं न कहीं सरकार 15 महीने में गई, इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। आने वाले समय में जो छोटी मोटी गलतियां हुई थी वो गलतियां होने वाली नहीं है, और कोई मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के नेताओं पर असर डालने वाला नहीं है। आने वाला समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस। बात अब देश की हो गई, प्रदेश की हो गई, रीवा की बात करना बहुत जरूरी है। जैसा भी आपने खुद कहा, पिछले बार रीवा में आपको वो समर्थन नहीं मिला। मेरे दो सवाल हैं, दोनों को जोड़ के, रीवा में संभावना है, दूसरा मऊगंज की अगर बात की जाए तो पिछले बार तो आपका बहुत सारे मुद्दे थे, इस बार आपने पिछले 5 साल में सड़क पर क्या काम किए, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, इन 5 सालों में जब मैं विधायक नहीं था, या उसके पहले से लीजिए आप, जब मैं विधायक था, पानी बिजली सड़क, बाण सागर की लड़ाई, जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन था, जिले का मुद्दा और शिक्षा स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर हमने काम किया। सिविल अस्पताल कराने में मैं सफल हुआ, चौरा घाट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें सफलता मिली, और पानी बिजली सड़क के मुद्दे पर लगभग मैं 90% रुकूंगा। जिले के बारे में आपको सफलता नहीं मिली? जी, जिले के बारे में सफलता नहीं मिली थी। उस बार जब मैं 2013 से लेकर के 18 तक विधायक था, उस समय आपको याद हो कि मुख्यमंत्री जी की जनदर्शन यात्रा 230 सीटों पर लगी थी। मैंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मऊगंज में जनदर्शन यात्रा करने आएंगे तो उन्हें मऊगंज को जिला बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान हो कि मुख्यमंत्री जी 229 सीटों पर गए शिवराज सिंह जी, लेकिन मऊगंज वो नहीं गए थे। लेकिन 2018 में उनके कहने पर या और भी कारणों बस भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए, मऊगंज जिला नहीं बन पाया। अभी तक 1 वर्ष भी बचे हैं, मोटी मोटा अब 6 महीने बचे हैं।
अभी इसके बीच में हमने कई आंदोलन किए, एक बड़ा आंदोलन मऊगंज में किया जिसमें 50,000 जनता जनार्दन के साथ मैंने प्रशासनिक गिरफ्तारी दी। और इसके बाद मेरे द्वारा ये कहा गया था कि साल 6 महीने में अगर सरकार नहीं मानती तो मैं इसके लिए उग्र आंदोलन करूंगा। जैसे मेरे उग्र आंदोलन का समय नजदीक हुआ तो वर्तमान विधायक और उनके नुमाइंदों के द्वारा ये कहा जा रहा है दिसंबर में जिला, दिसंबर में भी नहीं बन पाया। और फिर ये भी उम्र उड़ाया जाता है कि जब जिला बनने की बात आती है तो पूर्व विधायक आंदोलन कर देते हैं, तो मैं दिसंबर में आंदोलन नहीं किया। अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मार्च में 100% जिला बनेगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे घोषणा करेंगे और मार्च में ही सारी व्यवस्थाएं बना। अभी आपको मालूम हो मऊगंज पूरी तरह से डिवाइडर के नाम पर उजाड़ दिया गया, जिसमें हजारों युवा बेरोजगार हो गए, रोजगार के नाम पर पूरी तरह से मऊगंज ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ उसमें बहाना क्या बनाया गया कि जिला बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन हम कुछ नहीं उस मुद्दे पर ज्यादा बात मैं नहीं करना चाहता। जो उजाड़े सो, बशर्ते हमसे जो बन पड़ा मैंने किया भी, बशर्ते ये जो जिला का मुद्दा है अब मार्च तक ये फिर से कहा जा रहा है कि मार्च में जिला बनेगा, देखते हैं। और नहीं तो उम्र ये हो जाता है कि मैं आंदोलन कर दिया रुक गया, और नहीं तो मेरा तो उग्र आंदोलन करने का प्रोग्राम है ही है अगर जिला नहीं बनता। इन सब सारे मुद्दे हैं तो जिला तो हमारी मुद्दे की कमी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा से निश्चित रूप से देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है। पिछली बार प्रदेश में जो गलतियां हुई थी इस बार कांग्रेस उन गलतियों को दोहराएगी नहीं। रीवा में जहां पर कांग्रेस को उतना अच्छा नहीं मिला था समर्थन, इस बार रीवा की जनता ने मन बना लिया कांग्रेस को समर्थन देगी। हम चुनाव जीते तो पहली बार 100% तय है कि मैं इसको मऊगंज को जिला बना दूंगा। कुछ ये कहना था 12 जनवरी युवा दिवस के दिन पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।